होते, बसेरे वहां भी होते हैं जहां गुंबद नहीं होते। अंधेरे हर कहीं इंसान का मकसद नहीं होते, बसेरे वहां भी होते हैं जहां गुंबद नहीं होते। और दोपहर की कड़ी धूप से भी तुम्हें जूझना होगा, सफर में हर कहीं घने बरगद नहीं होते। साथियों, विषय बाबा साहब के दिए अधिकार पर हमारे कर्तव्य। मिनट में मैं शॉर्ट में आपको बताऊं, कार्यक्रम करना हमारा उद्देश्य नहीं है, परंपरागत कार्यक्रम हम नहीं कर करते। मैसेज लेके कुछ जाओ, हमारी जिम्मेदारियां क्या है उन्हें आप निभाओ तो समाज में कोई परिवर्तन आएगा। इस बात से सब वाकिफ है, बाबा साहब के संघर्ष से पहले हमें कोई अधिकार नहीं था। समाज वंचित था, शोषित था, पीड़ित था, तरह तरह के बंधन उस पे थे। लेकिन ये हमारी खुशनसीबी कि बाबा साहब का जन्म हुआ और उन्होंने अपना जीवन इस समाज के उत्थान के लिए, इस देश के शोषित पीड़ित मजबूर बेबस लाचार लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया। और बाबा साहब के एक संस्मरण से अपनी बात को कहूंगा, काल्पनिक कहानी नहीं है, सच्ची है। बाबा साहब जब गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस के लिए 32 में इंग्लैंड जा रहे थे तो बाबा साहब का एक बेटा बीमार था उस वक्त, और उससे पहले एक बेटे की शायद डेथ हो गई थी। अब आप कल्पना कर सकते हैं, यहां माता बहनें बैठी हैं, अगर किसी का बेटा गुजर जाए पहले, दूसरा बेटा बीमार हो और पति विदेश जा रहा हो, तो उस मां की क्या हालत होगी जिसका बेटा बीमार है। माता रमाबाई ने बाबा साहब से कहा, साहब एक बेटा मर गया है, दूसरा बीमार है, इसकी दवाई गोली की व्यवस्था होनी है। साहब आप वहां मत जाओ, मैं कैसे इसका इलाज कराऊंगी, मुझे बहुत ज्यादा, जो भी उन्होंने कहा होगा, वो डायलॉग, वो बात इतिहास के पन्नों पर सोने से लिखी हुई है। आप पन्ने उल्टेंगे तो देखेंगे, वो बात जो बात बाबा साहब ने माता रमाबाई से कही, सोने के पन्नों पे हीरे से भी लिखी जाए तो भी कम है। वो बात क्या कही बाबा साहब ने, रामू, प्यार में रामू कहते थे, रामू मेरा एक बेटा ये बीमार है, अगर मैं आज ना गया, इसके अलावा भी करोड़ों बेटे मेरे बीमार हैं, अधिकारों की लड़ाई वहां हो रही है, अधिकारों की मांग वहां हो रही है, यदि आज मैं यहां रुक गया तो हमारा बेटा तो बच जाएगा, मेरे करोड़ों बेटे मारे जाएंगे। और मैं करोड़ों बेटों के लिए एक बेटे की तो कुर्बानी दे सकता हूं, एक बेटे के लिए करोड़ों की कुर्बानी नहीं दे सकता। ये डायलॉग कहकर, ये बात कहकर बाबा साहब लंदन को निकल गए। बेटा तो शायद बचा या नहीं बचा, लेकिन हम करोड़ों बचे हैं। अब वो अधिकार जो बाबा साहब आपको बहाल करा के गए, और हमारे कर्तव्य क्या है, जो विषय आज का रखा गया है, बाबा साहब ने एकाध अधिकार नहीं दिया, मुझे 2 घंटे 3 घंटे में मिले कंटिन्यू बोल सकता हूं उस बात पे, शॉर्ट में बता रहा हूं। पॉलिटिकल अधिकार दिए आपको एमपी एमएलए बनने के, आप एमपी बनते हो, एमएलए बनते हो, आप जिला पंचायत के अध्यक्ष बनते हो, चेयरमैन बनते हो, मेंबर बनते हो, ये अधिकार बाबा साहब ने बहाल कराए। एक दूसरा आपको एजुकेशन का अधिकार दिया, जो अधिकार हमारे समाज को नहीं था, आज आप नीचे से लेके प्रोफेशनल एजुकेशन तक कोई अधिकार आप एजुकेशन पाइए सभी समाज के लोग। दूसरा, तीसरा जो आपका इकोनॉमिक मसला है हमारे, इसको सुधारने का। लेकिन हुआ यह है साथियों कि उस अधिकार में अभी मंत्री जी कह के गए हैं कि 70% की कटौती हो गई है, मैं वो आपको बता दूं। दूसरा जॉब का दिया था, जो हमारी इकोनॉमिक हालत सुधरता है, अब क्या हुआ है, इस देश की सत्ता पे जो काबिज लोग हैं, दरअसल इतिहास में कभी उनका करैक्टर जुडिशियस नहीं रहा, न्यायिक चरित्र नहीं रहा, उन्होंने हमेशा छल किया है, बेईमानी की। आज फिर से क्या हुआ है, जैसे इस बहुजन समाज के वंचित शोषित पीड़ित लोगों को अधिकार बहाल हुए और उन्होंने भी अपने जीवन स्तर को सुधारा, तो उस कॉन्स्पिरेटर जो सेक्शन है हमारे इस देश का, उसे लगा कहीं ऐसा ना हो। एक ट्रायल उन्होंने उत्तर प्रदेश में देख लिया, जैसे ही उत्तर प्रदेश की सत्ता अंबेडकरवादी लोगों के हाथों में आई और उन्होंने स्थापत्य कला का जो बेजोड़ नमूना सम्राट अशोक के समय से चला आ रहा था वो स्थापित करके दिखाया, तो उनकी आंखें खुली, ऐसा ना हो जिस दिन दिल्ली इनके हाथ में आए तो ये पूरे देश में लागू हो जाए। तो उन्होंने उन अधिकारों का
कैसे कटान किया है। अब पॉलिटिकल पे आते हैं, जब हमारे एमपी एमएलए के चुनाव होते हैं तो दुश्मन शक्तियां हमारे समाज के ऐसे आदमी को टिकट देती हैं जो तुम्हारे हक की लड़ाई ना लड़े। इलेक्शन बाद में होता है, पहले सिलेक्शन होता है आदमी का। इलेक्शन बाद में होगा, पहले वो सिलेक्शन करते, देखो तुम्हारी बात कौन मानेगा। यहां पे जो उनकी बात सबसे ज्यादा मानेगा उसको टिकट देते हैं, अपनी वोट से जिता देते हैं, तुम्हारी लड़ाई बंद पड़ जाती है। असेंबलियों में तुम्हारे हक की बात नहीं होती, अगर तुम्हारे खिलाफ भी कानून बनाएंगे तो उन्हें चुप रहना पड़ता है। अभी मंत्री जी कहेंगे उन्हें डर होता है कि हमारे टिकट ना कट जाए। दूसरा अधिकार, इस तरह से पॉलिटिकल अधिकार कम किया गया। दूसरा जो एजुकेशन का था उसका कॉमर्नलाइजेशन कर दिया गया है। कुछ लोग समझ रहे होंगे इस बात को, एजुकेशन का कॉमर्नलाइजेशन कर दिया गया, व्यवसायीकरण कर दिया गया है। सरकारी संस्थाओं को बंद किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, उनकी गुणवत्ता को कम किया जा रहा है। और जो प्राइवेट संस्थान है, जो बेहद मजबूत और धनाढ्य लोगों के हैं, वो प्राइवेट कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस खोल रहे हैं और पैसे के दम पे डिग्रियां दे रहे हैं, वो आपके सामने है। हमारा समाज बेबस मजबूर और लाचार है, वो उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो एजुकेशन का कॉमर्नलाइजेशन करके आपका मामला खराब कर दिया। अब जो तीसरा अधिकार जॉब्स का है आपका, जो सरकारी नौकरियों में आप जाते हो, अपनी हालात अच्छी कर लेते हो, और उसका क्या किया उन्होंने, उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया। एजुकेशन का कॉमर्नलाइजेशन कर दिया है और जॉब्स का प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। अब कर लो क्या करोगे, तो अधिकार तो सुनने की तरफ है। अब जो बाबा साहब हमें अधिकार देके गए वो तो हमने भोग लिए, कर्तव्य हमारा क्या है, इस पे फोकस होना चाहिए। आज हमारा कर्तव्य ये बनता है, अगर वो हमारे सरकारी संस्थानों में एजुकेशन को कॉमर्नलाइजेशन के माध्यम से व्यवसायीकरण में बदल रहे हैं, व्यवसाय में बदलने हैं, तो तुम भी इतने कमजोर नहीं हो, तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है, तुम अपने मिलजुल के लाख लाख दो दो हजार पांच पांच हजार रुपए इकट्ठे करके अपने इंस्टीट्यूशन बनाओ और अपने बच्चों को हाईली एजुकेशन दो ताकि वो मुकाबले में आ सके। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर उन्होंने एक हमारा समाज का नेता ऐसा चुन लिया जो उनकी बात को मानता है और तुम्हारे हक की बात नहीं करता, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इकट्ठे हो, एक मुश्त होके अपने समाज के सबसे मजबूत आदमी को जिताओ जो तुम्हारे समाज की, तुम्हारे हकों की लड़ाई असेंबली में जाके लड़ सके। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप अपने छोटे छोटे उद्योग खोलिए, छोटे छोटे फैक्ट्रियां लगाइए, मिलजुल के लगाइए, कॉपरेट करके लगा दीजिए ताकि तुम्हारे लोग बच्चों को नौकरियां मिल सके। अगर तुमने अपने कर्तव्य का निर्वहन ना किया तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन ये अधिकार अगर शून्य की तरफ जाएंगे तो वापस लंबी जंग हो जाएगी और फिर माज ना जाने नुकसान किसका होगा। मैं अपनी चार पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा और आपको एक प्रेरणादायक भी है, हो सके आप उस चीज से सबक ले कि चलता छप्पर देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। चलता छप्पर देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। पीछे पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। चलता छप्पर देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। पीछे पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पर तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। जाग जाओ, बचना है, संगठित हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। हर क्षेत्र में आपको संगठित होकर काम करना पड़ेगा, मिलजुल के काम करना पड़ेगा, तो बाबा साहब का कारवा बचता है। वरना जो अपने पुरखों के दिए अधिकार नहीं बचा पाते ना, वो लायक नहीं कहलाते, और जो लायक नहीं कहलाते वो क्या कहलाते, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।